झारखंड समेत कई राज्यों में करम पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों के पवित्र प्रेम को दर्शाने वाले इस पर्व को लेकर पर्व करने वालों ने तैयारियां पूरी कर ली है। हर तरफ करम की खुमारी छाई हुई है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में करम पूर्व संध्या का आयोजन किया जा रहा है। करम की डाली, खुला आसमान और पर्व की खुशियाँ, इन सारी चीजों को यदि एक साथ देखना हो तो ये सभी करमा पर्व पर एक साथ नजर आ जाएंगी। आदिवासी समाज भाई बहनों के इस पवित्र पर्व झूम जाता है। रात भर नाच और गाने का कार्यक्रम चलता है। इस दौरान सभी को करमा और धर्मा की कहानी सुनाई जाती है। ये त्योहार हमारे भाई बहन का प्यार का त्योहार है और पूरे अखाड़ा, राजधानी का अखाड़ा सज चुका है। और कल करम है, कल का दिन आदिवासी समाज के लिए बहुत हर्लो उल्लास का दिन होगा। की रखते हैं कर्मा और धर्मा, तो इस तरह से उनको दो पुत्र की प्राप्ति होती है। कर्मा जो रहते हैं वो अपने पूर्वजों के बताए हुए रीति रिवाज, विधि विधान, धार्मिक कर्म कांड करते हैं, जिसके कारण से उसके पास धन दौलत अथाह हो जाता है। और कर्मा जो रहते हैं वो अपने बताए हुए पूर्वजों के रीति रिवाज से नहीं करते हैं, जिसके कारण कर्मा को बहुत दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। करम पर्व को आदिवासी समाज अपना प्रमुख त्योहार मानता है। इस पर्व के लिए उपवास मुख्य रूप से कुवारी कन्या रखती है, लेकिन विवाह के बाद भी लड़कियां इस पर्व को करती हैं। इस दिन के बाद ही आदिवासी समाज सारे शुभ कार्य शुरू करता है। नवविवाहिता जो बच्चियां होती है वो कर्मा को ससुराल में न मना के अपने मायके में नहीं ननिहाल में वहां पर ही वो बच्चियां मनाती है। वो अंतिम उनका कर्म होता है मायके का। और कर्म के पश्चात ही हम जनजातियों आदिवासियों का जो समाज में कर्म पूजा के बाद ही हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं। कर्मवती बहनें कर्म की डाली को पकड़कर भेंट लगती हैं, मन ही मन कर्म देवता से मन्नतें मांगती हैं और अंत में इस कर्म की डाली से हर कोई मनौती मांगता है। बच्चियां सुयोग्य वर, अच्छा घर परिवार और आरोग्य का वरदान मांगती है। बुजुर्ग की मनौती पूरे परिवार की सुरक्षा और आरोग्य की होती है। हर घर वाले करम देव से अर्जी विनती करते हैं कि हे करम, हमारे घर का जितना दुख तकलीफ है या हमारे शरीर में जो भी रोग दुख तकलीफ है उनको आप अपने साथ ले जाइए और इसको गंगा नदी में, जहां आप जाइएगा अपने साथ गंगा नदी में पानी में इसको विसर्जित कर दीजिएगा और हम लोगों को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, इस तरह के लोग कामना करते हैं। करम पर्व में पूर्ण रूप से उपवास रखा जाता है। इसे मूल रूप से तो लड़कियां करती हैं, लेकिन कुछ लड़के भी इस पर्व को करते हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।